आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आया हूँ खेत पर घूमने के लिए और अभी मैं खेत की मेड़ पे चल रहा हूँ। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर तो जब मेरे पीछे गेहूँ है वो लगभग 1 फीट के आसपास थे, लेकिन अब उनकी साइज़ बहुत बड़ी हो चुकी है। ये आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे गेहूँ, ये देखिएगा पानी वो निकलेगा, उसके बाद में ये गेहूँ पक जाएंगे और उसके बाद में पकने के बाद में इनको काट लेंगे। तो दोस्तों मैं आया हूँ और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 7 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली है मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं एक कुछ ज़रूरी काम में व्यस्त था तो इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आगे से भी फिर मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगा। तो आप बने रहिएगा और आप अच्छी जगह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पसंद आए तो ही वीडियो लाइक करिए, नहीं तो पसंद नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट लिखिए, बाकायदा आप कमेंट लिखिए, उसमें बताइए कि क्या कमी थी ताकि मैं उसमें संशोधन कर सकूं, सुधार कर सकूं, जिससे आपको वीडियो मिले थोड़ी अच्छी सी मिल सके। जो भी आपको लगता है कि भाई क्या कमी रह गई है वीडियो में वो बताए मेरे को, उसमें संशोधन करूंगा। जो भी आपको लगता हो, अगर कोई सुझाव हो आपका तो वो बताए, वो किस टाइप के व्लॉग्स चाहिए आपको गांव के वो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता दीजिए। दोस्तों इस तरफ की फसल उस साइड से अच्छी है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी थोड़ी गहरी है और उस तरफ जो उस पार्ट में मिट्टी थोड़ी गहरी नहीं है, वहाँ पे कोपरा है, यानी कि मिट्टी ये पत्थर है उसमें, मतलब येलो कलर की मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं तो उसे हम कोपरा बोलते हैं। उसके कारण से उसमें पानी का प्रभाव अच्छा नहीं लग पाता है, इसमें उतने ही पानी दिए हमने, उसमें उतने ही पानी दिए, लेकिन ज़मीन का फर्क भी होता है। कहीं कहीं की जगह 2 पानी में आप गेहूं अच्छे पा सकते हैं और किसी किसी जगह में 10 पानी भी दे दोगे गेहूं में तो भी अच्छे गेहूं नहीं निकल पाते हैं। मतलब तकरीबन उसका एवरेज निकलता है 15 से 20 कुंटल तक की, लोग बताते हैं कि हमने 15 से 20 कुंटल गेहूं का एवरेज भी 1 बीघा में निकाला है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ज़मीन से फ़र्क पड़ता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, और कोपरीली कम मोटी परत वाली ज़मीन है तो उसमें गेहूं की उपज कम होती है, और अच्छी मिट्टी अगर ठीक ठाक है यानी कि मोटी परत की है, मतलब नीचे तक अगर मिट्टी है उसके बाद नीचे उसकी मिट्टी के नीचे कोपरा है तो उसमें ज़मीन में उपजाऊ होती है और अच्छी फसल होती है, वहाँ पे निकलते हैं तकरीबन 20 से 15-20 कुंटल 1 बीघा से। लेकिन इस प्रकार की ज़मीन में, जैसे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ की ज़मीन की परत मोटी नहीं है, मतलब 2 या 3 फीट अधिकतम है, किसी किसी जगह पर 1 फीट भी है, उसके जस्ट नीचे जो काला पत्थर होता है वो निकल आता है, तो इस कारण से ज़मीन पतली बोली जाती है और पानी का ठहराव कम रहता है और ज़मीन जल्दी सूख जाती है, जिस कारण से फसल उपजाऊ नहीं हो पाती है, यानी कि कम से कम, और ज़्यादा जैसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 5 कुंटल से 12-13 कुंटल तक का एवरेज निकलता है गेहूँ का। और इसी प्रकार से अन्य फसल में भी बात लागू होती है, तो इस कारण से ज़मीन का भी फर्क बहुत पड़ता है फसल के ऊपर। तो अभी आपने देखा कि इस साइड में मेरे खेत में यहाँ पर पूरी तरह से बाले निकल चुकी है गेहूं में, और उधर कहीं कहीं बाले निकली है, कहीं कहीं नहीं निकली है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस तरफ जो जगह है थोड़ी अलग है, यहाँ की जगह अच्छी है थोड़ी अलग है, उस साइड में मतलब कोपरा है हल्का सा और मिक्स मिट्टी है, यह बिल्कुल शुद्ध मिट्टी है और यहाँ गहरी ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ की फसल जल्दी पक चुकी है। और अब हम आगे चलेंगे उस तरफ, वहाँ पे कुछ भैंसों और गायों के लिए कुछ रखा हुआ है और साथ में लहसुन प्याज है घर के लिए और भी कुछ चीज़ें, चलो हम देखते हैं वहाँ पर चलकर। ये एक दो दो क्यारियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, उसमें भैंसों के लिए चारा हुआ है, और इधर एक क्यारी लंबी है आप देखिएगा उस तरफ, वहाँ पर तो उसमें लहसुन प्याज लगे हैं सिर्फ घर के लिए है हमारे, और इधर ये चारा है, इधर पीछे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, और वहाँ नहीं वहाँ पर वो क्या है दोस्तों, कैमरे के एंगल से अलग लगता है, तो वहाँ पर एक छोटा सा कुआँ है जो लगभग पुर चुका है, और भी जगह है आसपास के खेत सभी, मेरा खेत भी
या नदी है पास में, और थोड़ा सा आगे एक डैम बना हुआ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरे बाकी की वीडियो में। तो उन डैम सॉरी मतलब उस डैम से ये सभी जगह सिंचित होती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा पानी है वहाँ पर। तो डैम में जितना भी पानी है वो लगभग बना रहता है। अभी डैम का जो स्तर 8 फीट नीचे गिर चुका है, मतलब 8 फीट डैम का पानी कम हो चुका है। इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं लोग, दूर दूर से लाइनें गाड़ गाड़ कर उनके खेतों में ले जाते हैं, और सभी इसी तरह से सिंचाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यह है वो कुआँ जो हमने बहुत साल पहले खुदवाया था, लेकिन ये अब इसी किसी काम का नहीं है, ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये अपने आप पूरा रहा है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वो बचेगा इसको इधर की हरी मिट्टी डाल देंगे इसमें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो लाइन है हमारे खेत पे जाती है, इससे पानी सिंचाई होती है। इसके साथ में दो लाइन हो रहे थे, उस तरफ से आती है वो नदी में से आती है। मटर की फसल है, तो ये आप देख पा रहे हैं, मतलब वहाँ पीछे तक जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक ये मटर है। इसमें एक ही क्यारी है, बहुत बड़ी है, चौड़ी वाली है। इसमें ज़रूर थोड़ा सा ठंड का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मटर है और ये साइड में थी बिल्कुल। इस तरफ एक मेड़ है, दूसरे खेत है दूसरे लोगों के, तो मेड़ होने के कारण इधर इस तरफ भी गेहूँ होते तो ये मटर बच जाती, लेकिन इतना वो था नहीं तो इसमें कारण मटर थोड़ी सी प्रभाव आए, लेकिन फिर भी ठीक है, तो लगभग ठीक ही अभी मटर। दोस्तों जब कभी मैं गांव पे होता हूँ तो मैं गांव पे वीडियो बना देता हूँ, खेत पे जाता हूँ तो वहाँ पे वीडियो बना देता हूँ, और कभी कहीं घूमने गए तो मैं वहाँ वीडियो बना देता हूँ ताकि लोग देखें, और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। और कई लोग बोलते क्या होता है, किसी किसी को अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना, मुझे अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। कोई तो क्या यार वीडियो बना रहा है, बिल्कुल बेकार काम है। नहीं, लेकिन मुझे अपनी यादों को इकट्ठा करके रखना अच्छा लगता है, और मैं कहीं जाता हूँ, अब सभी लोग एक साथ नहीं जा सकते, कुछ लोग यादों को कैद नहीं करते, मैं करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और उनको यूट्यूब पर डालता हूँ। क्यों? क्योंकि जो लोग कहीं नहीं जा पाते हैं किसी काम से, तो वो लोग जैसे मैं कहीं बाहर गया, अभी मैं महेश्वर गया था या फिर कामखेड़ा चला गया या कहीं भी गया, तो उस वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, ताकि जो व्यक्ति महेश्वर ना जा सके किसी कारणवश या बाहर नहीं जाता हो, तो वो मेरी वीडियो को देख के वहाँ का वातावरण, वहाँ की जगह देख सके, समझ सके, और कभी अगर उसको जाना हुआ तो उसको वहाँ जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी वीडियो देख चुका है, वहाँ कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली है उसको, चाहे इतनी सी मिली हो तो वो देख लेता है, हाँ वहाँ पर कहा मतलब क्या है, कैसा वातावरण है, कैसा खाना है या किसी जगह है, तो इससे आसानी मिल जाती है। इस कारण से यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता हूँ ताकि किसी की मदद हो सके, सहायता मिले, और मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे वीडियो बनाना बहुत शानदार लगता है, कुछ अलग चीज़ है, इसलिए मैं इसको करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, हो सकता है उनके नज़रिए से वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ जो ठीक है। और कुछ लोग कहते भी हैं कि नहीं एकदम अच्छा वीडियो बनाया, हमें अच्छा लगा है, पसंद आया, कुछ लोग वहीं बोलते हैं नहीं ये गलत है। तो लोगों की अपनी अपनी राय है, मैं क्या करता हूँ मुझे अच्छा लगता है वो सही मायने में ठीक है, वहाँ की वीडियो बना के यूट्यूब पर डालना ताकि लोगों को कुछ जानकारी मिले, कुछ समझे ये ठीक है या गलत है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नीचे लाइक बटन है उसको क्लिक करिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके नई वीडियो की। तो ज़रूर ज़रूर बताइएगा कमेंट में नीचे कि सही है या गलत है वीडियो डालना है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली है, तो आप मेरे वीडियो को पसंद करिए, नीचे लाइक बटन है उस पर क्लिक करिए, कम से कम 10-20 लाइक जो आपकी इच्छा हो दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, और आपके लिए मैं हमेशा कुछ नए नए वीडियो लाऊं। और इस चैनल को देखिए, इसके बाद में आप हमारे अन्य वीडियो को भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आते हैं, और आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो घंटी ज़रूर दबा दें साइट वाली, जिससे आप हमारी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके, नए आने वाले वीडियो देख सके। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में।